साढ़े पंजाब के जनरल सैकटरी सरदार कुलवंत सिंह जी जो कि सबका मेयर ने हूँ कैंडीडेट ने आम आदमी पार्टी के हल्का मोहाली तो, नीना मित्तल जी हल्का उम्मीदवार ने जो राजपुरा तो होर वक् वक् हल्क चो आए साथी साहबान अज पंजाब के लोग मन बना चुके ने आम आदमी पार्टी से दी सरकार बनाने के लिए। अज बहुत सारिया वक् वक् सियासी पार्टिया के नुमाइंदे वक् वक् खेत्रां दे नुमाइंदे जिन्होंने लंबा अरसा वक् वक् डिपार्टमेंटां दे विच वक् वक् थावां दे उत्ते सर्वसन मानिया ने गियां सोशल सर्विसिज भी कीतियां ने गियां वो आम आदमी पार्टी के शामिल हो रहे हैं। उन्हां सारिया का आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वल्लों पंजाब के प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान मैंबर पार्लीमेंट सरूर उन्हां वल्लों जी आयां नूं वैलकम आम आदमी पार्टी दीआं नीतियां दे उत्ते लगातार पंजाब दे लोग मोहर ला रहे हैं लगातार वाधा हो रहा है। और दूजे पासे वो रवायती पार्टियां ने जिन्होंने 73 साल पंजाब नूं बर्बाद किया पंजाब ते कर्जा चढ़ाया अज पंजाब दे उत्ते लगभग 3.25 लाख करोड़ तो उपर का कर्जा हो गया और पंजाब नूं करजई स्टेट इन अकाली दल ने बीजेपी वाले ने और कांग्रेस पार्टी ने मिल के पंजाब नूं बर्बाद किया गा। अज पंजाब दे लोग आम आदमी पार्टी दे विच अपना सुनहरा भविख देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाली सरकार च देख रहे हैं। इस कारण लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अकाली दल वो पार्टी आ बीजेपी वो पार्टी आ जिन्हों पंजाब के लोग नफरत की अख ना देखते हैं कि जो भी अकाली दल सत्ता के आया गा बीजेपी ने सांझ प्याली पा के आया गा। जे आप 1986 की गल कर लिए 1986 नकोदर के गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होंगी आ कोई बंदा नहीं फड़िया गया चार नौजवान मार दिए गए किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। श्रोमणी अकाली दल की सरकार 2015 बीजेपी का सांझी सरकार से उस समय पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते सारे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई लोगों इंसाफ मंगण लई मोर्चा लाया धरना दिता उस समय भी 2 नौजवान शहीद हो गए कोई इंसाफ नहीं मिलिया। पंजाब विच जिन्ने भी मैं समझना अकाली दल बीजेपी के समय माड़े काम होए किसी भी सरकार समय नहीं होए उस तो बिना कांग्रेस पार्टी आ जिन्ने वादे किए थे 2017 एक भी वादा कैप्टन साहब की सरकार जा हुण चन्नी साहब की सरकार ने पूरा नहीं किया है। पंजाब का बच्चा बच्चा जानता गा कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी वालों गुटका साहब मत्थे नूं ला के सहु खाधी सी कि पंजाब विचों 4 हफ्ते चो नशा खत्म कर देंगे कोई नशा खत्म नहीं होया उस तरह चल रहा। और कैप्टन साहब ने कहा कि मैं पंजाब विचों माफिया राज का खात्मा कर दूंगा कांग्रेस पार्टी वालों कोई माफिया का राज का खात्मा नहीं होया। सो मेरा कहण का भाव आ अज पंजाब विच अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नफरत की अख दे नाल पंजाब दे लोग देख रहे हैं। पंजाब दे लोगों को पता गा कि इलेक्शन तो पहला पंजाब दंगे करवाउंदे ने धार्मिक तौर पर साडियां भावनावां नाल खिलवाड़ करदे ने। तुसीं देखो कि किस तरह हरिमंदर साहब दे विच जाके एक बंदा बेअदबी करन दा यतन करदा गा लुधियाणे का बंब ब्लास्ट जिवें याद करवांदा तुहानूं मैं मौड़ दे विच 2017 दी इलेक्शन तो पहला वड्डा बंब धमाका होया सीगा 9 व्यक्ति मारे गए सी हजे तक वो जांच पूरी नहीं हुई हले तक दोषी फड़े नहीं गए सज़ा तो होनी बहुत दूर की गल आ हजे तक 5 सालों के जांच पूरी नहीं हुई जिमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियों की जांच पूरी नहीं हुई उस तरह मौड़ बंब ब्लास्ट की जांच पूरी नहीं हुई। सो सारा कुछ एक सोच समझ के तहत ये लोग करवाते हैं ताकि लोगों को सियासी तौर पर तोड़ा जाए लोगों च बखरेवा पैदा करके लोगों च भाईचारा तोड़ के वोटा पटोरिया जा। पर लेकिन इस बार पंजाब के लोग एकजुट ने पंजाब के लोग कट्ठे ने गे पंजाब के लोग इन सारिया सियासी पार्टियों सबक सिखाएंगे। सो इस कारण अच्छ वड्डी पद्धर से साडे विच लोग शामिल हो रहे हैं कि मैं सरदार हरचंद सिंह बरसर जी को बेनती करूँगा कि सब के नाम लैके फॉर्मली उन्होंने पार्टी में ज्वाइन करवा। धन्यवाद चीमा साहब ने बड़े ब्रीफ के थोड़े न मौजूदा हालतों बारे विचार वटांदरा किया। जिस तरह हर रोज़ पिछले लंबे समय तो तुम देखते हो कि पंजाब के सूझबान लोग जेड़े समझते हैं कि पंजाब नूं अकाली दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वर्गियां उन्हां पार्टियां तो बचाउणा है जिन्हां ने पंजाब नूं 3 लाख करोड़ का करजई किया जिन्हां ने पंजाब दे बच्चों बाहरले मुल्कां च भज्जण वास्ते मजबूर किया जिन्हां ने पंजाब दी इकोनमी नूं खोखला किया जिन्हां ने पंजाब दे हर अदारे नूं बेचिया उन्हां दे खिलाफ़ चंगी सोच रखण वाले जिन्ने भी साडे पढ़े लिखे सूझबान साथी ने अज समझ दी नजाकत समझते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। असी सारयां दा स्वागत करते हैं। पहले नंबर से मैं बेनती करदा साडे बहुत ही सत्कारयोग दविंदरपाल सिंह बालिया जी पटियाले तो ही ने ADC रिटायर होए ने बहुत ही पटियाले दे वड्डे परिवार नाल संबंध रखते हैं। इन्हां दे भरा सरदार चरणजीत सिंह बालिया मुलाजमां दे बहुत वड्डे लीडर रहे ने पंजाब दे मैंबर पार्लीमेंट रहे ने और इन्हां सारे भरावां ने पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर से नाम कमाया। वालिया साहब दविंदरपाल जी बारे मैं थोनू दसा यह ड्यूरिंग सर्विस भी
गरीब लोगों की इलाके की चाहे फतेहगढ़ साहब रोपड़ होवे पटियाले होवे किस तरह यह बांह फड़ते रहे ने वो अपने आप दे विच एक मिसाल है। मैं इस तो ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि समा दसदा हुंदा बंदे दे किरदार हमेशा समय दे नाल उगड़दे ने। और वालिया साहब का असी स्वागत करते हैं पार्टी दे विच जी आया आखते हैं सारी पार्टी वालों। मैं बेनती करूँगा साडे LOP सरदार हरपाल सिंह जी चीमा नूं कि वह वालिया साहब नूं सरोपा पा के पार्टी का वेलकम कर पार्टी शामिल करन दी रस्म कर। उस तो बाद मैं बेनती करदा हरप्रीत सिंह जी जेडे यूथ अकाली दल दे हलका प्रधान ने अमलोह तो वो आम आदमी शामिल हो रहे ने। वेलकम करदे हां सर हरप्रीत सिंह जी का। एडवोकेट हरदीप सिंह जी मुक्तसर तो यह बार दे प्रधान ने। असी इन्हां नूं भी बेनती करदे आओ सर हरप्रीत सिंह जी एडवोकेट। YS माटा जी जेडे एक जुडिशरी नाल संबंध रखते ने जज रिटायर होए ने इन्हां नूं भी बेनती करदे आ। नाल बलजिंदर सिंह बॉबी जिला जनरल सकत्तर ने बठिंडा देहाती दे वेलकम करते हैं। गुरदीप सिंह दीपू सरदार कुलदीप सिंह जी साहब प्यारा सिंह जी स्पोर्ट्स नाल संबंधित ने प्रोफेसर प्यारा सिंह जी असीं स्वागत करते हैं जी आखते हैं। जगमाल सिंह सर जगमाल सिंह जी रिटायर्ड एक्शन इन्हां नूं भी वेलकम करते हैं। मैं सारे साथियों का आम आदमी पार्टी वालों साडे पंजाब दे प्रधान भगवंत सिंह मान जी वालों पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरी साहब वाल वालों सारे का पार्टी स्वागत करता है। और आस करता है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी का जो सोच है वो ते पहरा देंदे हुए यह सारे पंजाब नूं बचाने वास्ते अपना वध तो वध योगदान पाउणगे। बहुत थोड़ा धन्यवाद। कोई सवाल है मीडिया नूं बेनती है चीमा साहब नूं कर सकते तुसीं बैठो नहीं ना जी बैठो 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 देखो मैं समझदा आम आदमी पार्टी आ जिन्हें सब तो मैक्सीमम सब तो वध अपने वलंटियरां नूं टिकट दिती हैगी। सब तो वध ओह कैंडीडेट ने मैदान दे विच जिन्हां ने पार्टी की सेवा की आ और बहुत ही आम घरां दे मुंडे कुड़ियां टिकटां दित्तियां ने। हाँ जिथे कि बिनेबिलिटी का क्राइटीरिया देखा गया कि दूजिया पार्टियां दे विच भी बड़े अच्छे लोग ने गे पर लेकिन असीं उन्हां नूं लैके इलैक्शन लड़ा रहे हैं गे पर ज़्यादातर कैंडीडेट जिहड़े हैगे ने गे 80% तो उपर आम आदमी पार्टी के कोर जिहड़े वलंटियर ने उन्होंने टिकट दी गई है। जो तो टिकट किसी नहीं मिलती तो मैं समझना फ्रस्ट्रेशन के आके वो इस तरह दोष लाते हैं पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैरिट के उ टिकट दी है। देखो कई कई व्यक्ति कई व्यक्तियों के जोड़े हित होंगे ने छोटे होंगे ने कई व्यक्ति जोड़े है उन्होंने लाइन छोटी होंगी है सौड़े सियासी हित होंगे ने गे वो इस तरह के दोष लाते हैं कि उन्होंने पूर्ति नहीं होंगी। कई बार उन्होंने अपने निजी हितों की पूर्ति नहीं होंगी जो निजी हितों की पूर्ति नहीं होंगी हैगी उदो मैदान छड के भजदे ने। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा गई आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी आ और इस बार पंजाब के लोग बदलाव पाल रहे हैं जिहड़े टिकटू ने गे जिस तरह के नेगे उन्होंने भी जो लोग सब कुछ अच्छा 47 जो DSP ने उन्होंने प्रमोशन और ट्रांसफर का एक मुद्दा आ रहा है कि DGP के जो फेक साइन जो हुए हैं वो जी बदली हुई है क्योंकि 8 तारीख में शाम को इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चल रही थी जब लिस्ट आई उस तो पहला 11 बजे नवे DGP ने ज्वाइन कर लिया हूँ सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह सारा खेल की है। देखो मैनू तुहाडे जरिए पता लग्या गया कि कोई इस तरह का घटनाक्रम वापरिया गया यदि उच्च पदरी जांच होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन नू तुरंत उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए उन्होंने तुरंत डिसमिस करना चाहिए जिन्होंने इस तरह का काम किया गया। जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लग जाता गा उस तो बाद सरकार जेकर इस तरह की कार्रवाई करती है जां किसी नूं नजायज़ लाभ पहुँचाती है समय संविधान के उल्टा उन्हां लोगों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। ये भी दिल्ली वाली गल कर जिस तरह बाकी पार्टियां चलते भी पंजाब के
देखो आम आदमी कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी आ, आम आदमी पार्टी पूरे देश के इलेक्शन लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और पंजाब के साडे पंजाब के प्रधान भगवंत सिंह मान जी ने मैंबर पार्लीमेंट ने सारे जिन्हें भी टिकटा मिली ने वो पंजाब के लोगों को मिली ने। सो ये सारे जो दोष ने ये बेसलैस ने निराधार ने गए, इन्हों का कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं। देखो चरणजीत सिंह चन्नी दी जदों दे पंजाब दे मुख्यमंत्री बने ने लगातार झूठ दर झूठ बोल रहे ने कि हर रोज नवा झूठ सामने आता गया। 36,000 मुलाजमान पक्के करन दिते, पंजाब दे टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया खर्च होया, थां थां ते लग्या कि असी जिहड़ा कि उन्होंने पक्के कर दिता, लोगों का पैसा लग्या, पैसा बर्बाद किया गया इश्तहारां दे उत्ते। पर पंजाब दे लोगों नूं पता गया कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही आ। इन्हां इलैक्शनां दे विच 14 फरवरी नूं पंजाब दे लोग सबक सिखाउणगे, मूँह तोड़ जवाब देणगे और इस तों बिना ये लगे हुए ने बोर्ड के पंजाब विच जिहड़े पावर परचेज एग्रीमेंट महंगी बिजली समझौते रद्द कर दिए, लेकिन वो भी कोरा झूठा। जिन्ने इश्तहार पंजाब च लगे हुए ने सारे झूठे लगे और झूठ के पलंदे का पर्दाफाश पंजाब के लोग 14 फरवरी नूं मोहर ला के करनगे इहदे खिलाफ। वर्चुअल मीटिंग की गल की गई लेकिन अकाली दल वालों कहा जा रहा है कि यह कैसे पॉसिबल है क्योंकि 70 साल के जो बुजुर्ग ने उन्होंने को स्मार्टफोन ने, यह पॉसिबल किस तरह है जो वर्चुअल मीटिंग? देखो नाल दी नाल ना यह भी कहा गया कि तुसी डोर टू डोर भी कंपेन कर सकते हो। सो आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दी दे नाल खड़ी आ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दी उलंघना नहीं करूगी। आ जिन्नियां भी हदायतां ने उन्हां सारियां जरूरी हदायतों की पालन इन मिन आम आदमी पार्टी करूगी। आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ लोगों की सेहत का ख्याल सब तो पहला रखती है। देखो हजे तो जरिए ही पता लग्या कि कोई बोल रहे ने, देखते हैं पार्टी के विचारांगे, पर लेकिन जिन्हां नूं मैं समझदा टिकटां नहीं मिलदियां वो अपने बड़ा छोटा उन्हां दा जिहड़ा हुंदा विजन हुंदा गा। असीं तां सारे लोग पंजाब लई लड़ रहे हां, पंजाब नूं बचाउण लई लड़ाई लड़ रहे हांगे। बड़ी जल्दी सीएम दे चेहरे दा ऐलान आम आदमी पार्टी करन जा रही है, थोड़े दिनों की बैसा में वेट करो। कुछ जिहड़ियां पाबंदियां इलैक्शन कमीशन वल्लों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लगियां नेगियां, सो बड़ी जल्दी जिहड़ा हैगा तुहाडे सामने मैं समझदा कल्ली पार्टी होगी आम आदमी पार्टी जिहड़ी सीएम दे चेहरे दे नाल इलैक्शन लड़न जा रही है। होर किसे कोले कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं वरत लिया यूज़ करके बाहर मारनगे, उन्हां कोले कोई भी एक अजिहा चेहरा नहीं जिहड़ा पंजाब दी बागडोर कर सकदा होवे। एक परिवार की पार्टी आ, तीन परिवार के जी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बीबा हरसिमरत कौर बादल, वह नहीं डिसाइड कर पाए कि किहड़ा इलैक्शन लड़ूगा। सो आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुख्यमंत्री चेहरा लैके इलैक्शन लड़ूगी। सर सीएम साहब ने कल एक बयान दिता, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पीएम सिक्योरिटी दे विच पीएम दा कन्वॉय नूं रोकिया सीगा उन्हां दे उत्ते किसी भी तरीके दा परचा जिहड़ा कि उह नहीं कीता जाऊगा, वह प्रदर्शनकारी सीगे उन्हां दे उत्ते कोई परचा नहीं पाउंदा। देखो ये मामला अज देश दी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अपने विचार कर रही है, विचार अधीन आ। सो सब मैटर सब जुडाई साहब कमेंट नहीं करना चाहुंदा, जदों उन्हां दा कोई डिसीजन आ गया उस तों बाद सवाल कर लेंगे।